अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा रिवीजन सेशन है आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हेल्प करने के लिए। तो रेड पेन से जो मार्किंग है वो हम उस वक्त डिस्कस कर रहे होंगे। ओके जी, प्रॉफिट कैसे होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट, आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। सेल्स और कॉस्ट में दो चीज़ों में से एक चीज़ कॉमन होती है। सेल्स के अंदर जो प्राइस होती है वो सेलिंग प्राइस होती है, कॉस्ट के अंदर जो होती है वो आपकी खाली कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दोनों में जो कॉमन चीज़ होती है वो होती है क्वान्टिटीज। जो माल बेचा है उसी की कॉस्ट इंक्लूड करेंगे तब पता चलेगा आपको प्रॉफिट कितना आया है। अगर आपकी क्वांटिटीज डिफरेंट होंगी तो सेलिंग डिफरेंट हो रही होगी, कॉस्ट डिफरेंट चीज़ की आ रही होगी, तो प्रॉफिट कभी भी नहीं आएगा। जो माल बिकता है उस पर प्रॉफिट होता है, जो बिका ही नहीं है उस पर प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं हो सकता, ना उस पर प्रॉफिट कंप्यूट हो सकता है जब तक वो सेल नहीं होगा। तो एक चीज़ को आपने याद रखना है, सेल्स का जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस कौन सी होगी? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर, कॉस्ट टू प्रोड्यूस इंटू क्वांटिटी। और दोनों में क्या चीज़ कॉमन होती है? क्वांटिटीज। ओके जी, कॉस्ट फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, एक है एब्जॉर्प्शन और एक है मार्जिनल। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होती है? ऑल कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। ऑल कॉस्ट का मतलब है डायरेक्ट और ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को आप फिक्स्ड भी एज्यूम कर सकते हैं या फिक्स्ड ही होती है ज्यादातर। ओके, फिक्स्ड इसमें अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये कहते हैं कि जो भी फिक्स कॉस्ट है ये आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ओके, कैसे पार्ट बनेगा? उसके लिए हम कंप्यूट करते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और वो होता है पर यूनिट बेसिस के अंदर। अगर आपको समझ आ जाए तो ओवरहेड मींस फिक्स कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन रेट मतलब किस तरह या कितनी डॉलर्स में अगर इसकी इंक्लूड करूंगा यूनिट की कॉस्ट के अंदर, प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर, तो क्या इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर? फिक्स्ड। तो दिस इज नोन एज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। जबकि अच्छा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो क्योंकि कॉस्टिंग ईयर के स्टार्ट में होती है, क्योंकि आपको ईयर के स्टार्ट में कॉस्ट पता होगी तो वही आप कॉस्ट आगे ट्रांसफर करते हैं सेल्स यूनिट को या सेल्स डिपार्टमेंट को, उसकी बेसिस पर उनको टारगेट एलोकेट होते हैं, सेलिंग प्राइसेस कंप्यूट होती हैं और वो लेके मार्केट में जाते हैं। तो जो भी हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट करते हैं वो किस पे करते हैं? बजटेड क्वांटिटीज के ऊपर करते हैं, एक बात। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में वो कहता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड करनी, डायरेक्ट मींस जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। और फिक्स कॉस्ट जो होती है वो कहता है ट्रीट होंगी फुल कॉस्ट के तौर पर। इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज आपने एक पेन मैन्युफैक्चर करना है, पेन में जो आपको चीजें डायरेक्टली नजर आ रही है कि जब भी पेन बनाना पड़ेगा तो आपको इंक चाहिए, जब भी पेन बनाना पड़ेगा आपको निब चाहिए, कैप चाहिए, शेल चाहिए, जब भी एक पेन मैन्युफैक्चरर होगा ये सारी कॉस्ट आपको बेयर करने पड़ेंगी, ठीक है। इसको असेंबल करने के लिए एक लेबरर भी चाहिए होगा, ये सारी की सारी कॉस्ट कौन सी होगी? डायरेक्ट कॉस्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेबल है और प्रोडक्ट में देखी जा सकती है। ओके, जो आपने फैक्ट्री ली है उसके अंदर अगर आपने सिक्योरिटी रखी है, आपने जो स्वीपर रखे हुए, आपने सपोर्ट स्टाफ जो रखा हुआ है, वो क्या है? कॉस्ट तो इनकर हो रही है, हो भी प्रोडक्ट के लिए रही है, बट उसके साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो स्वीपर की कॉस्ट किस पेन को चार्ज करें ये हम लोग नहीं बता सकते, यही हमारा प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैसे डील करता है? वो इसका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट कर लेता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मार्जिनल सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को डील करती है और ये ऑल कॉस्ट को डील करता है। मार्जिनल कहती है सिर्फ कौन सी लेनी है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या वेरिएबल कॉस्ट लेनी है। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहते हैं हम लोग इसे? फुल कॉस्ट इंक्लूड करना है। दोनों के फॉर्मेट सेम है, अगर आप नीचे आ जाए फॉर्मेट में अगर आप देख लें सब में क्या हो रहा है, सेल्स, सेल्स का फॉर्मूला वही होगा प्राइस इंटू क्वांटिटी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कह रहा है कॉस्ट इंटू क्वांटिटी। हमने बोला था क्वांटिटीज दोनों सेम होंगी। तो इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? हमारे पास साल के शुरू में क्या पड़ा हुआ था, इस साल हमने क्या बनाया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं कि मेरे पास साल के शुरू में कितनी क्वांटिटी पड़ी थी और इस साल जो मैंने बनाई है, तो ये टोटल क्वांटिटी अवेलेबल हो जाएगी जो मैं सेल कर सकता हूं, ठीक है। इसमें से वो क्वांटिटी मैं अगर माइनस कर दूं जो मैंने सेल कर दी तो मेरे पास बकाया क्या रह जाएगी? क्लोजिंग क्वांटिटीज। तो ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तीसरा जो मसला आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर वो आता है अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड। अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड क्या है? जाहिरी बात है जब मैंने साल के शुरू में कॉस्ट कैलकुलेट की थी तो वो बजटेड थी, मे बी मैंने ज़्यादा कर लियो, मे बी मैंने कम कर लियो। इन केस अगर मैंने कॉस्ट ज़्यादा कैलकुलेट कर ली है तो मेरी कॉस्ट जो है वो ओवर एब्जॉर्ब्ड है, और अगर मैंने कम कैलकुलेट कर ली है तो मेरी कॉस्ट जो है वो अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अगर तो मैंने कॉस्ट कम की हुई है तो वो अंडर है, तो मुझे अपनी कॉस्ट को बढ़ाना चाहिए, इसलिए अंडर एब्जॉर्ब्ड क्या होती है? एड।
अगर मैंने कॉस्ट पहले ही ज्यादा बजट की थी, ज्यादा कैलकुलेट की थी, तो मैंने यूनिट्स में भी ज्यादा डाली हुई है, तो मैंने क्या की हुई है, ओवर की हुई ऑलरेडी, तो मैं क्या करूंगा उसको माइनस. तो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन इसमें एडजस्टमेंट करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि कॉस्ट एक्यूरेट आ रही है. फिर इसमें हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है. जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर आप देखें, फॉर्मेट दोनों का सेम है, बट यहाँ पे कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, जो कॉस्ट हम लोग ले रहे हैं वो कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड. जब भी हम सेल्स में से या प्राइस इनटू क्वांटिटी में से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन, दैट इज एक प्रोडक्ट जब हम बेचते हैं तो वो कितना कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी. जब हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है उसमें से हम फिक्स कॉस्ट फुल या टोटल माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है. दोनों के अंदर एक डिफरेंस जो है ये कि मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग जो होती है वो कंट्रीब्यूशन लेवल पे होती है, जबकि इसके ऊपर जो होती है वो ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पे होती है. दोनों क्या एज्यूम करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये एज्यूम करती है कि सारी की सारी कॉस्ट क्यों इनकर हो रही है, क्योंकि आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, और अगर आप प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट इनकर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में सारी की सारी कॉस्ट इंक्लूड होनी चाहिए. हेंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर भी यूज होती है. और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, IAS 2, जो कहता है कि प्रोडक्ट की जब अपने कॉस्ट इंक्लूड करनी है तो उसमें फुल कॉस्ट आनी चाहिए. हेंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज होती है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट फॉर्मेट्स के अंदर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. जबकि मार्जिनल कॉस्ट ये कहती है कि भाई कॉस्ट सिर्फ वो इंक्लूड करो जो प्रोडक्ट की वजह से आ रही है, ठीक है. फिक्स कॉस्ट को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर सर्टन टाइम पीरियड तक फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है, अगर वो चेंज नहीं हो रही है तो वो आपके डिसीजन पे भी इम्पेक्ट नहीं आएगा. जैसे रेंट है, आपने देना ही देना है, चाहे आप 1 यूनिट बनाए या 1 लाख यूनिट बना ले, तो कितने यूनिट बनाने हैं ये रेंट की कॉस्ट को चेंज नहीं कर रहा. हेंस वो कह रहा है कि ऐसा डिसीजन जो शॉर्ट टर्म का होता है उसके अंदर फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है. हेंस मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के अंदर आप फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर दें. इसी तरह लास्ट कंक्लूजन क्या आ जाता है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं. लॉन्ग टर्म में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट भी चेंज होती है ईयर बाय ईयर बेसिस पे, तो फिक्स कॉस्ट भी वेरी करती है इन लॉन्ग रन. हेंस लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में हम लोग यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में हम यूज करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग.